ASN24 पल पल की खबर। नमस्कार, मैं हिमानी सिंह और आप देख रहे हैं KSN24। KSN24 की खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। कटघोड़ा थाना अंतर्गत नवा गांव में एक किशोरी और एक 3 से 4 वर्षीय बच्चे को बंधक बनाए जाने का मामला सामने आया है। दोनों को एक खंडहर नुमा कमरे में मुंह और हाथ को बांध कर रखा गया था। जब कुछ लोगों को खंडहर नुमा कमरे से छोटे बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी तो उन्होंने 112 की टीम को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और किशोरी तथा बच्चे को बंधक से छुड़ाया। लेकिन जब बंधन मुक्त कराया गया तब किशोरी बेहोशी मिली और तब से लेकर अब तक किशोरी बेहोश ही है। बरामद किशोरी और बच्चे को कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती किया गया है। कटघोरा थाना प्रभारी ने बताया कि किसी व्यक्ति के द्वारा किशोरी और बच्चे को बहला फुसला कर ले जाया गया और उनके साथ मारपीट की गई और उनके मुंह और हाथ पैर को बांधकर खंडहरनुमा कमरे में बंद कर दिया गया था। किशोरी के पिता की रिपोर्ट पर बंधकों को छुड़ा लिया गया है और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। कटघोरा पुलिस द्वारा कुछ संदेहियों को पकड़कर कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। अब पूरे मामले का खुलासा तब होगा जब किशोरी होश में आएगी और अपना बयान पुलिस में दर्ज कराएगी कि आखिर हुआ क्या था। बालिक बच्ची उम्र करीब 15 वर्ष और एक बच्चा 4 वर्ष, उसको एक व्यक्ति के द्वारा वहाँ से बहला फुसाकर एक रूम में ले जाया गया और उसके साथ मारपीट की गई और उसको रस्सी में बांध दिया गया। इस शिकायत पर थाना कटघोरा में सूचना पर उसको पहले छुड़ाया गया और वो कुछ बेहोश जैसी थी, बोल नहीं पा रही थी, हॉस्पिटल एडमिट कर उसका इलाज कराया गया है और इस पर उसके पिता की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। फिर अभी स्वस्थ है लड़की, बातचीत करें? हाँ, अभी इलाज के बाद वो स्वस्थ हो गई है और उससे पूछताछ कर कथन लेकर के वास्तविकता और कौन ये है उसकी जांच कर अग्रिम जांच की जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, KSN24 न्यूज़।